नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है, जिसके कारण बहुत से लोगों को समस्या हो रही है। इनमें खास तौर से ऑटो ड्राइवर, ई रिक्शा चालक या फिर ग्रामीण सेवा चलाने वाले या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग हैं, उनको बहुत समस्या हो रही है। उनकी मदद के लिए दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपये उनके खातों में सीधे ट्रांसफ़र करने की बात कही थी। अब ये धनराशि आप अपने खाते में किस तरह ले सकते हैं, उसको बताने के लिए हमने एक वीडियो के माध्यम से पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है, जिसे देखकर आप ये धनराशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। गूगल में टाइप करेंगे delhi.gov.in। टाइप करने के बाद आपको इस टाइप का दिल्ली का ऑफिशियल पेज खुलेगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर RS 5,000 रुपये ये दिखेगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होना चाहिए, PSV वेज नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास है, आधार नंबर कार्ड। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, यहाँ पे PSV वेज नंबर डालना है, फिर सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट में 5,000 रुपये चले आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अकाउंट नंबर डाला नहीं, फिर किस अकाउंट पे पैसे आएंगे? तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ आपने जो ये आधार नंबर आप डालेंगे, आधार नंबर, उस आधार नंबर से जो भी अकाउंट लिंक होगा उस अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो इस तरह आप दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर जाकर आवेदन करके अपने खाते को एनरोल करा सकते हैं और ये सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके खाते में 5,000 रुपये सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।